हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रो। आज हम फिर जाने रॉक क्लाइंबिंग के लिए। शूज़ मैंने अपने पहन लिए हैं और बैग भी हमने पैक कर लिया है, जिसमें हमने आज बर्तन भी रखे हैं। हमारे साथ थोड़े मेंबर और बढ़ने वाले हैं, हमें सीधे रायपुर और यहीं मिलेंगे केनाल रोड में। बर्तन रख लिए हैं, क्रॉसपैड रेंगो ला रहा है और अब हम यहाँ से डायरेक्ट बाइक में चलेंगे रायपुर मालदेवता की तरफ। गाइस अब हम निकल रहे हैं मालदेवता की तरफ को, रूम लॉक करके। मैंने दो बैग लगाए हैं, एक आगे एक पीछे, क्योंकि शर्मा पीछे पूरा क्रॉस पैड लगाएगा बड़ा सा। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे तरफ को। चलो ये नौकर गेट खोल। ये है मिनी और ये हमारे साथ आज चल रही है। ये डिग्गी में आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना ये डिग्गी में, नहीं आएगा ना। मैं तभी तो मैं पीछे वो गाड़ी, मैंने कहा डिग्गी क्यों खोल रहा है, कहाँ आएगा इतना बड़ा, इसमें आ जाएगा शायद, वहाँ से डाल के देख। क्या ये क्रॉस पैड? हमने किनो ले लिए हैं और हम मिनी की कार से ही जा रहे हैं और मिनी कुछ पैक करा रही है। अब यहाँ पे हमने चौमिन ऑर्डर किया है और ये मिनी अपने लिए पैक करा रही है, अपना मुंह छुपा रही है। क्रॉस पैड इसमें आ गया है, शर्मा पीछे पूरा अटक गया है। उसके बाद निकलते हैं आगे को, वहीं पे हमको ब्रिजेस मिलेगा, फिर निकलेंगे हम आगे की तरफ को। गाइस हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉबेरी और प्याज टमाटर और इसने ले लिया अपने लिए कीनू। अभी हम मालदेवता मार्केट में हैं, वहाँ पे हमारा ब्रिजेश वेट कर रहा है और वहाँ से निकलेंगे आगे को। तो गाइस हम पिछले बार वाली लोकेशन में पहुंच गए हैं, पर यहाँ पूरी छाया है और लोगों को चाहिए धूप। अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ को। ये है मेरा सिक्स क्लास से क्लासमेट बिरजू, तिमलावगढ़ से, जहाँ मच्छी मारने में जाता हूँ। देखिए मन्नू चढ़ के दिखाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। ओ बेटे ये मन्नू तो इतनी जल्दी पहुँच गई है। ये मेरे दोस्त यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं और हम लोग उधर जा रहे हैं और पहाड़ी हो रही है, पहाड़ी हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं ये थोड़ी देर में, अभी जब इनके कमर हाथ पाँव बढ़िया से दर्द करेंगे तभी वहाँ को आएंगे। अब हम अपना स्पॉट ढूंढने जा रहे हैं जहाँ पे हम अपना दिन का लंच बनाएंगे, चिल करेंगे। और तो गाइस ये रहा हमारा आज का स्पॉट, यहाँ पे हम अभी खाना बनाएंगे। यहीं पे ही नदी है, पूरा नज़ारा आपको दिख रहा है और वो दोनों वहाँ पे हैं। अभी यहाँ पे हम तैयारी करते हैं, अभी लकड़ियाँ ढूंढनी है हमको, काफ़ी सामान इकट्ठा करना है। अभी हम यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद ब्रिजेस भी वहाँ से लकड़ियाँ ला रहा है। मिनी वहाँ बैठी हुई है और एक मिनी यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कर रही है, रेंगो सर हमारे सिखा रहे हैं। और इसके बाद हम निकलेंगे वहाँ को, लकड़ी लेके जल्दी जल्दी इकट्ठा करते हैं, आगे तैयारी करते हैं खाने की भी। तो गाइस हम लोकेशन हमने चेंज करके यहाँ पे आ गए नदी किनारे पे, क्योंकि यहाँ पे से रॉक क्लाइंबिंग जो कर रहे हैं उनका दिख भी रहा है करते हुए। अभी थोड़ी देर में हमारे रेंगो भाई लोग भी करेंगे और तब तक हम यहाँ पे तैयारी करते हैं। मास्टर साहब तू है क्या? मैं वो भुटवा नदी किनारे मालदेवता के भुटवा धो रहे हैं और इसके बाद अभी कढ़ाई में वहाँ पे ब्रिजेश सब तक आग जलाएगा और उसके बाद भुटवा भुन के रेडी हो जाएगा। बढ़िया धूप भी आई है अभी, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी चल रही है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 1.5 किलो भुटवा लाए थे क्यों? हाँ, और हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी लेके आए बड़ी वाली, एक कोकी, उसको पीएंगे, इन्जॉय करेंगे आज दिन का, अच्छे ही करेंगे और उसके बाद शाम को चलते हैं। तो गाइस जो भुटवा था वो धुल चुका है, वो नीले थैले में पैक है और अभी यहाँ पे बंटी ने पूरी लकड़ियाँ सेट कर दी है, कढ़ाई धुल चुकी है, अभी आग जलाएगा इसमें और उसके बाद फिर इसमें तेल डाल के प्याज वहाँ पे मिनी काट रही है और दूसरी मिनी टमाटर काट रही है। और पीछे रॉक क्लाइंबिंग देख सकते हैं, वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी हो रही है। A few hours later. भुटवे का मसाला तैयार हो गया है और मिनी यहाँ पे बांट रही है सबको कोल्ड ड्रिंक। ये देखिए बस को यहाँ पे काफ़ी ठंडा लग रहा है, धुआं भी आ रहा है पर फिर भी वहीं पे बैठी है, दो तीन हुड पहन के भी इसका ठंडा नहीं जा रहा है। और यहाँ पे जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे वो नीचे चले गए हैं, अब हम भी वहीं को जाएंगे। सारा भुटवा आग में जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? भुटवा ब्रिजेस ने पलट दिया है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है तो वहाँ पे वो हमने चॉप बोर्ड भी लगाया ताकि थोड़ी बहुत हवा रुक जाए। यहाँ पे इसको चलाया जा रहा है ताकि मसाला नीचे से जल ना जाए। उसके बाद अभी ये बन जाएगा, थोड़ी देर हम इसको ढक देंगे डिस्पोजल प्लेट, चल रहा है उसके बाद फिर हम आगे करेंगे।
आगे खाने की तैयारी करते थे। तो गाइस बुटवा थोड़ा सा ही बचा है, बहुत ज्यादा पेल दिया है, स्ट्रॉबेरी का डब्बा मिल गया है, इसलिए शर्मा के लिए हम इसमें पैक कर देंगे। रैंगो के लिए वो वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है इससे पीछे साइड, फिर हम सोच रहे हैं कि धूप भी चली गई है तो पैक करके पार साइड चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी धूप बची हुई है अभी देखते हैं। ये देखो ये मुंह साफ कर दिया एकदम सफा चैट करके एकदम, और उसके बाद ये बचा हुआ है, फिर इसके बाद एक और राउंड चलेगा, फिर हम यहाँ से पैकिंग करके चलते हैं आगे की ओर। तो भाई शर्मा बोल रहा है कि ये भुटवा जैसा हो रहा है, पूरे ब्लॉग में हम बता रहे हैं कि भुटवा बना रहे हैं, भुटवा बना रहे हैं, लास्ट में पूछता है कि भुटवा जैसा हो रहा है। तो गाइस आप पीछे देख सकते हैं सनसेट भी होने वाला है, और जो हमने भुटवा खाया था वो खा भी लिया है, रेंगो भी आ चुका है, और अब ये देखिए अब सब सामान इकट्ठा करके निकल रहे हैं। आज का नज़ारा कुछ ऐसा था, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय।